नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एफएम न्यूज। मोदी कैबिनेट में रविवार को 13 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें से 4 कैबिनेट और 9 राज्य मंत्री है। मंत्रिमंडल के लिए चुने गए 9 नए मंत्री अलग अलग बैकग्राउंड से जरूर हैं, लेकिन उनके सिलेक्शन में सरकार ने उनके तजुर्बे का ध्यान रखा है। 4 मंत्री पूर्व IAS, IPS और IFS अफसर रहे हैं। 3 मंत्री मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान से भी हैं, जहां अगले एक साल के अंदर चुनाव होने वाले हैं। आइए आपको बता दें कि इन चुने गए मंत्रियों के बारे में। सत्यपाल सिंह। सत्यपाल सिंह जाट कम्युनिटी से आते हैं। संजीव बलियान के बाद वेस्ट यूपी में बीजेपी का प्रमुख चेहरा है। महाराष्ट्र कैडर में 1980 बैच के IPS अफसर रहे। राजनीति में आने से पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर थे। इस दौरान 1990 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। 2014 लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी में शामिल हुए और बागपत से सांसद चुने गए। अल्फोंस कनंथानम केरल में बीजेपी का चेहरा कहलाते हैं। 27 साल IAS रहे हैं। केरल के कोट्टायम में जब वे 1989 में कलेक्टर थे तो लिटरेसी बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है। इस जिले को उन्हीं के चलते देश के पहले फुट लिटरेट जिले का दर्जा मिला था। दिल्ली में जब DDA कमिश्नर थे तो कई अवैध इमारतों के अतिक्रमण हटवाए थे। अल्फोंस अभी बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। अश्विनी कुमार चौबे बिहार के बक्सर से बीजेपी के सांसद हैं। बिहार की राजनीति में ऊंचा कद रखते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं। इसके अलावा गवर्नेंस का एक्सपीरियंस भी है। पूर्व हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। छात्र राजनीति से जुड़े रहे और जेल भी गए। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के टिकमगढ़ से बीजेपी सांसद है। लोकसभा में 6ठी बार सांसद चुने गए। 1996 में पहली बार सांसद बने। 1975 के JP आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। मीसाबंदी के तौर पर सागर और जबलपुर जेल में 16 महीने गुजारे। 1977 से छात्र राजनीति की शुरुआत की। शिव प्रताप शुक्ल UP के सीनियर BJP लीडर हैं। एक्सपीरियंस लीडर माने जाते हैं। UP में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। शिक्षा, ग्रामीण विकास और जेल सुधारों के लिए उठाए गए कदमों के लिए याद किए जाते हैं। इसके अलावा पार्टी से लंबे समय से जुड़े हैं। ABVP और BJYM के सदस्य रह चुके हैं। छात्र आंदोलन और इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए हैं। यूपी में राजनाथ कल्याण सरकार में मंत्री रहे। RK सिंह पूर्व IAS अफसर, जिन्होंने 1990 में समस्तीपुरी में लाल कृष्ण आडवाणी को लालू यादव के आदेश पर अरेस्ट किया था। आडवाणी तब राम रथ यात्रा से अयोध्या जा रहे थे। 1999 से 2004 के दौरान होम मिनिस्टर रहते हुए आडवाणी ने ही RK सिंह को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया था। दिसंबर 2013 में BJP ज्वाइन की और 2014 में आरा से BJP की टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता। अनंत कुमार हेगड़े कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ से 5 बार लोकसभा के लिए चुने गए। इस्लाम और टेररिज्म से जुड़े हुए बयानों से चर्चा में आ चुकी हैं और मुस्लिम संगठनों के विरोध का भी सामना किया। संघ के स्वयंसेवक रहे, अयोध्या आंदोलन में अहम भूमिका रही। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान BJP का बड़ा चेहरा, नेशनल लेवल पर BJP की फॉर्मर विंग के जनरल सेक्रेटरी रहे। सिंपल लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। क्यूरा पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले इंडियन पॉलिटिशियन है। यहाँ उनके 50,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। छात्र जीवन से राजनीति शुरू की, ABVP और संघ से जुड़े रहे। जोधपुर से सांसद हैं। स्वदेशी जागरण मंच में रहे। किसान और आर्थिक मामलों पर पकड़। हरदीप सिंह पुरी पूर्व IFS अफसर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। 2009 से 2013 के बीच UN में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहे। विदेश मामलों के जानकार, 39 साल IFS रहे। नए चुने गए कैबिनेट और राज्य मंत्री को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए FM न्यूज को सब्सक्राइब करें।